अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज जो है अतीफ़ का दिल चाह रहा था कि सहरी में वो बिरयानी खाएंगे क्योंकि बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। तो उन्होंने कहा मुझे बिरयानी गर्म करके दे दो, तो जितनी उन्हें चाहिए थी इतनी हमने गर्म कर ली थी, साथ में चाय बना ली है, दूध ब्रेड बटर और सारी चीज़ें जो है रेडी करके रख दी थी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं सहरी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने रात को लेट खाया था। फिर जो है अज्जू ने कहा कि मम्मा आप एक जो है स्लाइस खा लीजिए ताकि थोड़ी सी तवानाई आ जाएगी, वरना जो है पूरा दिन आपका वैसे ही जो है चले जाता है, तो फिर आपको थोड़ा खा लेना चाहिए। और वैसे ही मेरे पास काम का बर्डन ज़्यादा रहता है, तो फिर मैंने उसकी बात सुन ली थी और एक कप जो है दूध पिया था और साथ में एक स्लाइस ले ली थी। तो आज जो है मेरा जो है दिल नहीं चाह रहा था बिरयानी खाने का, तो मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊं या क्या नहीं। तो अजमन आइडिया दे दिया था कि मम्मा एक कप दूध ले लो और साथ में ब्रेड जाम या बटर ऐसा कुछ भी खा लो, या एक स्लाइस ऐसे ही ले लो तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर जो है मैं उसकी बात सुन ली थी और एक कप दूध और एक स्लाइस लेकर जो है मैंने सहरी कर ली थी। पर जो मैं खाऊँ या ना खाऊँ, मैं अतीफ के पास जो है सहरी में लाजमन बैठ ही जाती हूँ क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। थोड़ी सी बातें भी इस वक्त हो जाती है और अज्जू की जो है बातें हैं, मस्तियाँ हैं, चटपटी सी जो उसकी बातें होती है उससे हमें बहुत मज़ा आता है। तो सहरी करके सारे काम निपटा लिए थे और सो गए थे। और जो है हमने सुबह में जो है उठ गए थे जल्दी, उसके बाद जो हमने अतीफ को जो सारे कपड़े लेकर आए थे वो हम उन्हें बता रहे थे। और सारे जो है आसमान रात को ट्राई किए थे, अर्जुन अपने ट्राई किए थे तो जैसे थे वैसे ही रख दिए थे। कुछ के जो है पैटर्न्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, इंशाल्लाह जब पहनेंगे तो आपके साथ जो है पूरी वीडियो इसकी शेयर करेंगे। तो जी मुझे सारे जो ड्रेस बहुत अच्छे से मिल गए थे, प्राइस भी इसका बिल्कुल सही था और जैसे हम लोग चाह रहे थे वैसे ही पैटर्न मिल गई थी। और अभी जो है तीन जो है आसमा के नाप के मिल गए थे, दो जो है अजीमा के नाप के मिल गए थे और उसमें से जो एक जो है पर्पल कलर का मुझे सही आ रहा था, तो मैं आपको बताऊँगी। तो वो मैंने ले लिया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसके साथ भी एक अच्छी सी कहानी है जो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो जी घर के थोड़े से काम बाकी थे और आसमा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग जो आए थे कालूपुर। और कालूपुर आओ तो भाई से ना मिलूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है तब तक मैं अपने भाइयों से मिलकर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं आई थी तो भाई ने कहा कि आप रुक जाओ, तो मैं आपके लिए कलिंगर खजूर और वो सब लेकर आया हूँ, तो तुम यहाँ बैठो दुकान पर। और उनकी शॉप भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी जो हम जो सेल करते हैं वो इन्हीं से हमने सीखा है और इन्हीं से लेकर हम लोग सेल भी करते हैं। ये हमें जो है होलसेल रेट लगते हैं और हम जो है रिटेल में बेच देते हैं। भाई ने जो है हमें बेंगलोरी कलिंगर दिया था, अगरबत्ती, आसमा और आसमा के ऑफिस की और दुकान की दोनों ख़त्म हो गई थी, तो ये हमें उनके तरफ से ही आती है, हर बार मुझे दे देते हैं। खजूरें दी थी, आजिमा का जो है शैम्पू और जो है कंडीशनर ख़त्म हो गया था वो भी लेकर आ गए थे। और आज जो है हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1:30-2 हो गए थे और आकर फटाफट से नमाज़ पढ़ ली और आसमा जो है क्लास जाने लगी थी, इसके पहले उसने फालूदा बना लिया था। आज जो है पाइनएप्पल वाला फालूदा बनाया था और चार जो है ट्रे में लगा दिए थे, दूसरे जो हमें बाहर जो देने थे उसके जो है बाउल अलग से बना लिए थे। तो जी ये है इफ्तार के बाद की जो है क्लिप, मैंने एक दिन पहले जो है फ्रेम किया था, मतलब कि ब्लीच किया था, फेशियल किया था और हेयर कलर भी किया था क्योंकि अतीब चिल्ला रहे थे कि ये क्या तुमने हाल बना रखा है और अपने आप पर जो है थोड़ा सा भी जो है ध्यान देना तुमने बंद कर दिया है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ ज़रूरी है मेरा, क्योंकि जब आपको हस्बैंड टोक देते हैं तो आपको जो है अपने आप पर ध्यान देना लाजमी है। मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि भाई ने जो है मुझे पाया भी दिया था और पाया माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो इतना सारा पाया जो है रमज़ान में खाया नहीं जाता, तो फिर हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि आधा जो है भाई को भिजवा देंगे और आधा जो है हम रख लेंगे जिससे हम लोग सहरी कर लेंगे। तो बच्चे जो है कह रहे थे कि आज जो है सहरी में हम लोग पाया खाएँगे लेकिन इफ्तार में भी हम डायरेक्ट तंदूर की रोटी और पाया खाएंगे। लेकिन जो है मैंने उनसे कहा कि इफ्तार में आप इफ्तार कर लो, बाद में जब 10:30 बजे खाने लगते हैं तब जो है हम लोग रोटी जो है गर्मा गर्म तंदूर की मंगवा लेंगे और मामू को भी भिजवा देंगे। तो फिर इस तरह से हम लोग ने पाए का जो इंतज़ाम कर लिया था। तो अभी जो मैं आपको बताया था गोश्त, वो जो है खिचड़ा यानी कि दालिम का जो है गोश्त मैंने मंगवाया था भाई से और वो लेकर आ गए थे जौहर भाई और उनका जो है जो मटन सेल करता है वो उनका दोस्त है, तो वो हमें अच्छे से जो है गोश्त निकाल कर दे देता है और जैसा हमें चाहिए वैसा ही वो बना कर दे देता है। तो वो भी मिले आई थी, उसे भी जो मैंने भिगो के रख दिया है। साथ में जो आज आसमा का दिल चाह रहा था कि वो थोड़े से मफिन्स बनाएगी, तो मैं जो है बच्चे कभी बेकिंग या कुछ नई चीज़ ट्राई करने का जो सोचते तो मैंने नहीं टोकती, जो करना चाहते हैं वो जो उन्हें करने देती हूँ। तो जी आसमा को नया एक जो है शौक़ लगा है बेकिंग का, तो वो बेकिंग सीखेगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम बेक भी कर लो, क्योंकि इस तरह से ही बच्चे सीखते हैं।
तो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी कोई हर्ज नहीं, पर माशाल्लाह से सारी चीज़ें परफेक्ट जो है ना आपके साथ बनाई थी, तो माशाल्लाह से मफिन उसके बिल्कुल रेडी हो गए थे। आपको उसका जो है लास्ट जो है व्यू बताएंगे और उसकी रेसिपी आपके साथ अलग से शेयर करेंगे। और जो है मेरा ऐसे ही है, मैं डायरेक्ट आपको रेसिपी कभी नहीं दे देती, पहले जो है मैं ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है तभी मैं आपके साथ जो है शेयर करती हूँ। बाकी में इसके मफिन बहुत अच्छे बने थे। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जब नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो पूरी जो है आपको स्टेप बाई स्टेप इसकी सारी प्रोसीजर बताएंगे, इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा। और आज जो है मफिनों से एंड टाइम पर याद आया, और एक तरफ जो है मुझे इफ्तारी की भी तैयारी करनी थी, और वो जो कह रही थी कि आपने मेरी हेल्प लाजमन करनी है वरना मैं जो है गड़बड़ कर दूंगी, तो मैंने कहा कि नहीं तुम ऐसे ही अपने हिसाब से करो, अकेले करो ताकि तुम्हें हिम्मत आए। पर थोड़ी सी जो बाउल पकड़ना या जो है विक्स करना, तब मुझे इसकी हेल्प करनी थी, वो थोड़ी बहुत मैंने की है, बाकी मफिन उसी ने बनाए हैं। और आज जो है अज्जू भी इसे चिढ़ा रही थी कि आपके मफिन्स जो है आपका बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, आपसे ये नहीं होगा, तो वो उसे जो है थोड़ा सा चिढ़ा रही थी। और बहनों में ये बातें होती रहती है तो मज़ा भी आता है, और वो चिढ़ भी रही थी। साथ साथ में मैंने इसका जो हेल्प करने के बाद गोश्त जो मेरे पाया बिल्कुल रेडी हो गया था, तो उसके बाद कुकर खाली था, तो मैंने सोचा चलो जो है गोश्त को थोड़ा सा मसाला लगा कर जो है बॉयल कर लेते हैं ताकि कल के लिए मुझे आसानी हो जाए। तो जी अभी जो है खजूर वगैरह निकाल ली है, फ्रूट्स मुझे अभी कट करने हैं। आसमान ने जो है ट्रे वो ग्रीस वगैरह कर ली है, बैटर उसका बिल्कुल रेडी है, और जो है अवन जो है उसने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। और मैंने जो है अभी जानबूझकर इसकी तरफ जो है तवज्जो नहीं दी, अगर मैं देती तो फिर उसे ऐसा लगता कि मैं इसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मफिन जो इसके फूलना शुरू हो गए थे और वो बड़ी खुश भी हो रही थी। साथ में मेरे पास थोड़ा टाइम था और विक्स बार पड़ा था, तो फिर मैंने क्या सोचा है कि मलाई जमा हो गई है तो उससे जो है मक्खन बना लिया जाए कि सहरी में काम आ जाएगा। और अभी जो है इतनी फ्रीज में जो है जगह नहीं रहती है कि हम सारी चीज़ स्टोर करके रखें, तो ये मेरे पास 8-10 दिन की जो मलाई जमा हो गई थी, तो फिर उसका मैंने बटर बना लिया था। तो वाइट बटर और बन बहुत मज़े का लगता है, और साथ में आसमा जो है समोसे वगैरह तल रही थी, और इफ्तार का जो है वक्त हो चुका है, कबीर बादशाह आ चुके हैं। मफिन्स आपको जो है बता दूँ बहुत ही मज़े के बने थे, तो इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। हम सब के यहाँ से जो जो आ गया था वो भी हमने ले लिए थे, आशा बनापा की तरफ से आए थे चाउमीन और जो है मंचूरियन, और मैंने जो है थोड़ी सी कबाब बना ली थी, और आज जो है बानोपा के यहाँ से भी कबाब ही आई थी, तो वो सारा लेकर जो है इफ्तार के लिए बैठ गए थे। तो आज जो है कबीर का पूरा ध्यान मफिन्स में था, और उसने कहा कि गरम तो उस गरम मुझे दे दो, मुझे निकाल कर, तो गरम गरम हमने इसे निकाल कर दे दिया है। हम जो है बाद में ठंडा करने के बाद जो है रात को खाएंगे। तो फिर अब जो है आपको मैं इसका फाइनल बता दूं, बड़े सॉफ्ट बने थे और बहुत ही अच्छे बने थे। ये गरम है इसलिए आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठंडे बड़े मज़े के लग रहे थे। तो जी इफ्तारी के बाद जो है मैं गई थी शॉप पर, और भाई का जो है टिफ़िन लेकर गई थी, और अतीफ से कहा था कि तंदूर की रोटी घर की और जो है जोहर भाई की दोनों की लेकर आना है। भतीजा कर जो है टिफ़िन लेकर गया था। रात को हमने भी जो है मज़े लेकर जो है पाए खाए थे, बड़े मज़े के बने थे और सब ने खूब इंजॉय किया था। तो आपसे चाहूँगी यहीं पर इजाज़त, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नई चटपटी बातें और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।